नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसका नाम है माइग्रेन। कुछ लोग इसको हेट्रोक्रेनिया, होलोक्रेनिया या हेमिक्रेनिया भी कहते हैं। लगभग 10 में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित है। महिलाओं में यह पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही पुराना ये सरदर्द है। आज हम इसके लक्षण, इसके कारण और इसका होम्योपैथिक पद्धति से पूरा इलाज के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके मुख्यतः लक्षण ये हैं कि इसका जो पेशेंट है वो साउंड लाइट से दूर भागता है और अकेला रहना चाहता है। अकेले कमरे में कहीं कॉर्नर में अकेला पड़ा रहता है। इसमें मुख्यतः ये लक्षण पाया जाता है कि पेशेंट को उल्टी का मन करता है। नौजिया और वॉमिटिंग इसमें होती है। जब इसको नौजिया या वॉमिटिंग होती है तो ये वॉमिटिंग कर देता है जिसको थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। बहुत से पेशेंट का ये कहना है कि इतना तीव्र सरदर्द होता है कि आँखों के सामने अंधेरा सा छाता है और इंद्रधनुष जैसा काला या बैंगनी कलर इनको दिखता है। इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका कारण मुख्यतः लीवर जब बाइल का सीक्रेशन ज़्यादा मात्रा में करता है और स्टमक और इंटेस्टाइन में जब बाइल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये उल्टी का सेंसेशन और नौजिया, वॉमिटिंग जैसे हालात मरीज के बनते हैं। दूसरा कारण अधिक फैटी डाइट लेना, चर्बीयुक्त भोजन ज़्यादा करना, मक्खन टोस्ट या ब्रेड का उपयोग अधिक करना, मीट मटन का उपयोग अधिक करना, पेट में कब्ज रहना, पेट साफ ना होना इसके मुख्यतः कारण हैं। अब हम आपको होम्योपैथी की कुछ दवाएं बताते हैं जो माइग्रेन या सरदर्द में बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली दवा है सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस। यह दवा दाहिने साइड के सरदर्द में बहुत अच्छा काम करती है। सैंगुनेरिया 30 पोटेंशी में आप ले सकते हैं। सुबह शाम या दिन में 3 बार 6-6 ग्लोब्यूल ले सकते हैं, या फिर यदि लिक्विड फॉर्म में दवा है तो आप 5-5 ड्रॉप 1/2 कप वाटर में डाल के सिप में लें, दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। दाहिने साइड के सरदर्द या माइग्रेन में ये बहुत अच्छा लाभ करती है। दूसरी दवा हम आपको बताते हैं जिसका नाम है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया 30 पोटेंसी में आप लेफ़्ट साइड में सरदर्द यदि आपको होता है, लेफ़्ट साइड में थ्रॉबिंग टाइप पेन होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, सुप्रा ऑर्बिटल पेन हो सकता है, तो ये सब स्पाइजेलिया जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी दवा मैं आपको बताता हूँ, चाइना ऑफिसिनेलिस 200। ये दवा को आप दिन में 3 बार पानी में डाल के 5-5 ड्रॉप ले सकते हो, सिप में लें, या फिर ग्लोब्यूल फॉर्म में यदि ये दवा है तो 6-6 ग्लोब्यूल आप 3 टाइम्स ले सकते हैं। यह दवा बॉडी में फ्लूइड की कमी या ब्लड प्रेशर लो होने पर सरदर्द होता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ करती है। हम आपको चौथी दवा बताते हैं, एसिड फॉस 30। यह दवा उन लोगों को बहुत अच्छा काम करती है जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं या जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 5-5 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं, पानी में डाल के 1/2 कप ऑफ वाटर में डाल के इसको ले सकते हैं। और आपकी नेक्स्ट मेडिसिन है नक्सबॉम का। यदि इंडाइजेशन के कारण ये हेडेक होता है आपको, गैस्ट्रिक हेडेक भी इसको कहते हैं कुछ लोग माइग्रेन, तो नक्सबॉम का 30 आप दिन में 3 टाइम्स लेने पर आपको बहुत अच्छा लाभ करती है। आपकी वॉमिटिंग सेंसेशन ठीक हो जाएगा, आपका एसिड बेस का बैलेंस ठीक हो जाएगा और आपको ये माइग्रेन में नक्सबॉम का 30 बहुत अच्छा लाभ करेगी। अगली मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, नेट्रम्यूट 30। यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है या लाइफस्टाइल आपकी बहुत ख़राब रहती है तो ये नेट्रम्यूट, डिप्रेशन, इनडिफरेंस पेशेंट रहता है उसमें ये नेट्रम्यूट 30 सुबह शाम 5-5 ड्रॉप आप ले सकते हैं, या ग्लोब्यूल फॉर्म में है तो नेट्रम्यूट 30 आप सुबह शाम 6-6 ग्लोब्यूल ले सकते हैं। अब मैं आपको बायोकेमिक दवा बताता हूँ, 12 नंबर।
जिसको आप लेने से यदि बायोकेमिक सॉल्ट की बॉडी में कमी हो गई है उसके कारण यदि माइग्रेन आपको हो रहा है, तो 12 नंबर आप यदि बायोकेमिक 66 टैब, बड़ी टैबलेट टाइप की आती हैं ये, तो आप 66 टैब लेते हैं दिन में 3 टाइम्स, तो आपको ये बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप चाहें तो इसको पानी में घोल कर ले सकते हैं, बायोकेमिक दवा को पानी में घोलने से उसका आयोनाइजेशन हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। धन्यवाद।